नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सांगानेर में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको चंबा रुमाल के बारे में बताने जा रही हूँ। ये हमारे भारत का एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का तरीका है जो कि बहुत फेमस है। जैसे कि इसका नाम पड़ा है चंबा रुमाल, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा कस्बे के नाम पे है, क्योंकि सबसे पहले यहीं के लोग ज़्यादा इसको बनाया करते थे। उसके बाद में फेमस होने के बाद ये इसके आसपास की तरफ कुल्लू, होशियारपुर, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर आदि के लोग भी बनाने लगे, धीरे धीरे फेमस होने लगा। इसके लिए कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी की बहन थी बेबी नानकी, उन्होंने सबसे पहले इसको बना के अपने भाई को गुरु नानक देव जी को गिफ्ट किया था, जो कि आज भी पंजाब के होशियारपुर के गुरुद्वारे में संरक्षित सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में जो हिमाचल के राजा थे पृथ्वी सिंह जी ने, उन्होंने इसको अनिवार्य कर दिया था लेडीज़ के लिए सीखना, ताकि ये कला और प्रचार प्रसारित हो इसका, और उस वक्त ये कंपल्सरी कर दिया। उसके बाद में ये था कि जब घर में कोई शादी समारोह हुआ करते थे तो जो गिफ्ट होता था, भेंट एक दूसरे को दी जानी, उसमें चंबा रुमाल बना के वो एक दूसरे को गिफ्ट किया करते थे। उसके बाद जब ये 18वीं शताब्दी में उमेद सिंह जी जो राजा थे वहाँ के हिमाचल के, उन्होंने इसको, जो कलाकार थे इनके बनाने वाले कारीगरों को, बहुत संरक्षित रूप से इनका संरक्षण किया, उसको कला को बढ़ावा दिया। ये एक स्क्वायर पीस होता है, जैसे कि लगता है चंबा रुमाल स्क्वायर पीस होता है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जो इसमें फैब्रिक यूज होता है उसमें है कि अनब्लीच्ड कॉटन, जो हाथ से बना हुआ है, हैंड वोवन का यूज होता है कॉटन का। उसमें खादी, खद्दर, मलमल इस तरह से भी जो है, इसका जो कलर था वो ऑफ वाइट, क्योंकि अनब्लीच्ड है इसलिए ऑफ वाइट पे बनता था बेसिकली, लेकिन अब इन दिनों में चेंज हो गया है थोड़ा सा। उसके अलावा ब्लैक और रेड या मैरून में भी बैकग्राउंड जो फैब्रिक होता है वो उस कलर में भी लेने लगे हैं। उसके बाद उसमें स्टिच कौन सी यूज होती है, स्टिच में है सैटन स्टिच, जो बेसिक जो फिलिंग वाली स्टिच है वो सैटन स्टिच यूज होती है, और जो आउटलाइंस में लेते हैं वो हम स्टेम स्टिच यूज होती है। सैटन स्टिच जब हम बनाते हैं या स्टेम स्टिच जब हम काम में लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखी जाती है कि ये बहुत सफाई से नीटनेस के साथ बनाया जाता है, इसमें नॉट नहीं लगती कभी भी धागे में, और ये बोथ साइड सेम होता है। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है हम दोनों तरफ से देखें तो दोनों साइड से इक्वल होती है, फिनिशिंग उसमें बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें सफाई का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उसके बाद में थ्रेड है, जो इसमें थ्रेड यूज होता है, जो धागे हैं वो सिल्क यार्ड यूज होते हैं, रेशमी धागे, लेकिन वो अनट्विस्टेड होते हैं, जिसको हम कच्चा रेशम बोलते हैं, जो वो धागा ट्विस्ट नहीं होता, अनट्विस्टेड धागा होता है, वो हमारे सिल्क धागे इसमें काम में आते हैं। और जो धागे हम लेते हैं वो रेड कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, गोल्डन, सारे ब्राइट ब्राइट कलर्स जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं इसमें। जो नॉर्मली अधिकतर जो डिज़ाइन होता है वो कृष्ण राधिका, कृष्ण रुक्मणी, कृष्ण रासलीला से रिलेटेड जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं, उसमें जो कृष्ण की बॉडी बनाते हैं वो ब्लू कलर से होती है, और जो पीताम्बर उन्होंने पहना हुआ होता है उसका कलर हमेशा ऑरेंज या येलो बताते हैं। उनके साथ जो गोपी होती हैं, गोपियाँ, लेडीज फिगर्स जो आते हैं, उसमें उनका ड्रेस का ऑरेंज, पर्पल, सैव ग्रीन, पिंक, क्रिम्सन, रेड, इस तरह के कलर उसमें हम यूज़ करते हैं। अब इसकी साइज़ के लिए है कि वो साइज़ क्या रहेगा उसका, एक या डेढ़ फिट हो सकता है, दो फिट हो सकता है, और मैक्सिमम बड़ा साइज हम लेते हैं तो 4 फिट के भी हैंकी या रुमाल उसके एम्ब्रॉयडरी के बनते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारा 1 और 1.5 फिट का साइज़ होता है, जो हम रेक्टेंगल स्क्वायर पीस में लेते हैं। लेकिन कई बार अब इनका जैसे आपका सीन वो बनता है, वॉल पिक्चर जैसे बनने लगती है, तो वो स्क्वायर ना होके थोड़ा सा रेक्टेंगल भी उसका साइज होने लगा है। और उसके बाद अब जो है डिज़ाइंस हैं, वो डिज़ाइंस मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं इसमें। जैसे ये डिज़ाइंस हैं बेल बूटे, ये कृष्ण राधिका का है कमल के ऊपर बैठे हुए, ये फ्लोरल पैटर्न है, ये इस तरह से कृष्ण राधिका गोपियाँ जो हैं उनके साथ का बना हुआ है। इसमें हमेशा रेक्टेंगल में, मतलब स्क्वायर पीस में बीच में ये मोटिव होते हैं, और लास्ट में बॉर्डर बनता है जिसमें बेल बूटे लेके हम उसको कवर करते हैं।
ये राउंड सर्कल में है हमारा, कृष्ण राधिका वाले गोपीज के साथ में सारे हैं, और वापस उसी तरह से हमारा बॉर्डर स्क्वायर में आ जाता है। ये रेक्टेंगल पीस था, ये सारे डिजाइंस। मोर पिकॉक बने हुए शिकार करते हुए, ये जो है उसके अंदर नीचे सारी गोपियां हैं और ऊपर पेड़ पे बताया कृष्ण भगवान हैं। उन्होंने जब वो नहाते हुए हैं और उनके वो कपड़े लेने वाला जो होता है कि वो सबके कपड़े ऊपर लेके चले गए थे और वो मांग रही थी कपड़े, तो वो वाला डिज़ाइन है इसका। ये इसमें बेसिक जो सारा है हमारा माइथोलॉजिकल से उसे जुड़ा हुआ है, कृष्ण और गोपियों की रासलीला वाले पैटर्न हमारे इसमें ज़्यादा होते हैं। ये भी वही है कृष्ण राधिका वाले, ये चौपड़ पासे वाला जो गेम होता है चौपड़ खेलने वाला वो है, और सबके साथ में होता है हमारा बॉर्डर दिया हुआ होता है अलग से। जैसे कि अभी आपने देखा उसमें कुछ हमारा जो चंबा रुमाल है बेसिकली कृष्ण की रासलीलाओं पे ज़्यादा डिपेंड करता है। कृष्ण रासलीला उसमें कमल के ऊपर बैठे हुए, कमलासन पर बैठे हुए, ट्री फ्लावर पिकॉक एलिफेंट हाथी हो गए, चौपड़ खेलते हुए हमारा जैसे डिज़ाइन था, गणेश जी शिव पार्वती विवाह सब धार्मिक स्टोरी के ऊपर जैसे बने हुए होते हैं। और इसकी एक ही खासियत है इसमें सिंगल कुछ नहीं है, मतलब इसमें आपका जो डिज़ाइन है वो एक तरह से उसकी स्टोरी टेलिंग जैसा है, कृष्ण की रासलीला वाला है, वो उसके पैट बने होंगे, कई सारी गोपी हैं और उनके साथ में वो एक उसकी स्टोरी जैसे होता है। शिव पार्वती जी का विवाह है तो केवल शिव पार्वती जी नहीं होंगे, उसके साइड में और देवता जैसे बनाते हैं वो भी होंगे, एक थीम के ऊपर बना हुआ होता है। गीत गोविंद के ऊपर है, महाभारत के दृश्य हैं वो भी इसके अंदर बाद में बनने लगे थे, रामायण और डांसिंग लेडीज। इसमें नॉर्मली जैसे स्क्वायर पीस था तो कई बार वो सिंपल बने होते हैं, कई बार वो आपने देखा है उसमें सर्किल के अंदर बना हुआ होता है मोटिव, लेकिन लास्ट में उसके जो भी बना हुआ है हमारा मोटिव है उसके साइड में हमारा बॉर्डर जरूर आता है, उसके बाद ही वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट सा नहीं रहता, इनकम्प्लीट लगता है। तो उसके बाद में जो भी हमारा बॉर्डर होगा और वो हमारा बेल बूटे कुछ होंगे, फ्लावर बने होंगे, उस तरह से वो कंप्लीट किया हुआ होता है। ये जो हमारा बॉर्डर लेते हैं वो हमारा बेसिक साइज कितना है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, कम से कम आपका 1.5 इंच का बॉर्डर कम से कम होता है। उसके बाद में अगर हमारा साइज 1 से 1.5 के बाद में ज़्यादा बड़ा है तो हमारा जो बॉर्डर का साइज है वो ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन कम से कम 1.5 इंच करीब का हमारा बॉर्डर रहता है। बॉर्डर की जो ये वाली लाइन होती है, बाउंड्री वाली जो लाइन होती है, ये स्टैम्प स्टिच के साथ होती है, ये वाली लाइन आउटर लाइन, और इसके अंदर सब सैटन स्टिच के साथ में होता है। सफाई से बने ये जरूर ध्यान देना होता है क्योंकि इसमें जो हम सैटन स्टिच करते हैं वो इतनी अच्छी फिनिशिंग इतनी नीटनेस के साथ होती है, बिना नॉट के होती है, कि कई बार चंबा का जो म्यूजियम है, चंबा हिमाचल प्रदेश में जो कस्बा है उसके म्यूजियम में वो बोथ साइड फ्रेम कराए हुए वहाँ म्यूजियम में रखे हैं, वो दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल लगते हैं, तो बनाने में बहुत ज़्यादा सफाई होनी चाहिए, इसकी ये खासियत होती है। और एक ये है कि जब ये फैब्रिक होता है अनब्लीच्ड कॉटन होता है, प्योर वाइट नहीं होता, ऑफ वाइट वाला लुक होता है, पहले इन्हें जब पुराने टाइम में बनता था, अगर वही इफेक्ट अब देने के लिए लगता है अगर वाइट है अनब्लीच्ड नहीं है तो उसके लिए चाय की पत्ती को बॉइल करके उस पानी में उस फैब्रिक को, कॉटन फैब्रिक हमारा जो होता है खद्दर का या मलमल वाला कॉटन वाला हैंड वूवन जो फैब्रिक है वो उसमें डाल के बॉइल करते हैं, तो जो चाय की पत्ती का हल्का सा येलोइश कलर रहता है वो हमारे फैब्रिक पे आ जाता है, तो वो प्योर वाइट नहीं रहता, वो अनब्लीच्ड वाला कलर हो जाता है जिससे इफेक्ट हमारा वो पुराना वाला आए। उसके बाद में जो आर्टिकल्स हैं जैसे पहले बनते थे चंबा रुमाल, वो खाली चंबा रुमाल स्क्वायर पीसेस जैसा ही नॉर्मली अधिकतर होता था, अब वो हमारे वॉल पिक्चर जैसे भी बनने लगे हैं, हम उसको फ्रेम करवा लेते हैं, वॉल पिक्चर बन जाते हैं, कुशन कवर हो जाता है और नेकलाइन हमारे बनने लगे हैं। तो इस तरह से आज ही हमने आपको चंबा रुमाल के बारे में बताया है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।